दोस्तों आप देख रहे हैं राजस्थान टॉक और मैं हूं संतोष कुमार पांडे। यह पोल टॉक यूट्यूब चैनल का ही एक नया चैनल है। आज हम बात करते हैं राजस्थान की। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हो रहा है उसका असर राजस्थान में दिखाई देगा, ऐसी बातें आने लगी हैं, क्योंकि वसुंधरा सिंधिया का ही एक परिवार है जो मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन कर रहा है। कि वसुंधरा सिंधिया अगर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन करना चाहेंगी तो उसके लिए सचिन पायलट को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन सचिन पायलट की स्थिति वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ ठीक नहीं बैठती दिख रही है, क्योंकि सचिन पायलट के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया से बहुत कुछ बेहतर है। ये यहाँ से विधायक हैं, साथ ही साथ परिषद अध्यक्ष हैं और ये उप मुख्यमंत्री भी हैं। राजस्थान में सचिन पायलट सिंधिया के रास्ते पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह इसलिए बता रहा हूँ कि अशोक गहलोत यहाँ एक बुजुर्ग नेता है और नए नेताओं में सचिन पायलट का नाम सबसे आगे है। और सिंधिया के साथ दिक्कत ये हो रही थी कि वहाँ वो नए नेता थे, लेकिन साथ ही साथ उनके जो बुजुर्ग नेता थे उन पे हावी थे। हालांकि सचिन पायलट के सामने केवल अशोक गहलोत के अलावा यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनका रास्ता रोक सकता है। तो सचिन पायलट यहाँ पर सत्ता परिवर्तन नहीं करा सकते, क्योंकि उनका समीकरण पूरी तरह से अलग है। सचिन पायलट के पास 20 से 25 विधायक भी नहीं है, क्योंकि सिंधिया का अपना एक खेमा है, एक अपना रुतबा है और एक अपना मामला है। सिंधिया परिवार के साथ जो स्थिति है वो राजस्थान में नहीं हो सकती है, क्योंकि राजस्थान की जो समीकरण है उसमें अशोक गहलोत ने बहुत सारे सत्ता का विकेंद्रीकरण कर रखा है। अशोक गहलोत के पास केवल मुख्यमंत्री का पद है। मध्य प्रदेश जैसी स्थिति नहीं बन रही है और न बन पाएगी, लेकिन समीकरण बनाए जाएंगे। हो सकता है अब इस तरह के प्रयोग होने लगेंगे। इसका सबसे बड़ा असर पंजाब में देखा जा सकता है। अगर सिद्धू वहां पर 20 विधायकों को तोड़ते हैं तो स्थिति दूसरी बन सकती है। हालांकि अब मध्य प्रदेश का यह समीकरण काफी कुछ कह रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि राजस्थान में इसका क्या असर पड़ेगा। हालांकि सचिन पायलट ने 2 दिन पहले ही ट्विटर पर ट्वीट करके बोल दिया था कि वहां पर स्थिति अच्छी होगी। लगता है सिंधिया को मनाने में कोई भी कांग्रेसी कामयाब नहीं हो पाया। अब इसका असर जो भी हो, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट के पास बहुत कुछ है। आप देखते रहिएगा राजस्थान टॉक का ये नया यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। लगातार हम आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।